स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 क्लास 7 हनीकॉम। चैप्टर नेम इज गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इसकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। आज हम ओनली क्वेश्चन आंसर समझेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फिर नोटबुक में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। इसमें पूछा है कि किंग जो था वो हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करना चाहता था, क्यों मना करता था वो। आंसर, द किंग डिड नॉट वॉन्ट एनी मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन कुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट फॉर इवन 5 मिनट्स। ही वॉज गेटिंग एनॉयड विद ऑल द टॉक अबाउट हिल्सा फिश। क्योंकि क्या होता था कि जो दरबार में जितने भी लोग थे वो मतलब राजा नहीं चाहता था कि हिल्सा फिश में बात हिल्सा फिश के बारे में कोई बात करे, क्योंकि वो हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था और कोई भी इवन 5 मिनट भी कोई भी हिल्सा फिश की बात करे बिना नहीं रुकता था। तो वो इस बात से नाराज़ हो गया और विद ऑल द टॉक मतलब हर किसी से जो दरबार में जितने भी थे हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे, तो इस बात से वो नाराज़ हो जाता, वो नहीं चाहता कि कोई बात करे उस बारे में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, बाय व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। मतलब जो किंग ने गोपाल से क्या कहा ये प्रूव करने के लिए कि हाँ वो क्लेवर है, चतुर है, इस बात को प्रूव कैसे करना था उसे। आंसर, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर गोपाल वॉज आस्क्ड टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग एनी थिंग अबाउट द फिश। उसने ये कहा, राजा ने उससे ऑर्डर दिया कि तुम प्रूव करो कि तुम क्लेवर हो। वो कैसे प्रूव करो कि गोपाल से कहा गया कि तुम एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश मार्केट से लोगे और पैलेस तक लाओगे और कोई भी तुमसे हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेगा, ये उसको करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। जब गोपाल को ये चैलेंज दे दिया गया तो जब वो हिल्सा फिश खरीदने जाता है मार्केट, उस वहाँ जाने से पहले वो कौन से 3 काम करता है। बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, स्मेल्ड हिमसेल्फ विद एश एंड वोर डिसग्रेसफुल रैक्स। आपको याद होगा जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो ये चीज़ मैंने बताई थी उसमें कि वो हिल्सा फिश खरीदने के लिए जाने से पहले जो जो शेविंग करते हैं अपनी बियर्ड बनाते हैं तो वो हाफ बनाता है, हाफ शेव कर लेता है और हाफ ऐसे ही रहने देता है। और फिर क्या कर ले उस फिर क्या करता है, स्मेल्ड विद एश, जो एश मतलब राख होती है कोयले या लकड़ी की जो राख होती है उसको वो अपने फेस पे अपने बदन पे मल लेता है एंड बोर डिसग्रेसफुल रैक्स, और फटे पुराने पुराने बेकार से कपड़े पहन लेता है। वो 3 काम करता है जाने से पहले। नेक्स्ट है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। जैसा कि इसमें बताया था मैंने चैप्टर में भी कि जब वो फिश लेकर आता है दरबार में महल पर आता है तो बाहर दरबारी उसे रोक लेते हैं, वो उसे पहचानते ही नहीं और उसे अंदर नहीं जाने देते। तो गोपाल अंदर जाने के लिए राजा से मिलने के लिए वो क्या करता है, किस तरह से अंदर जाता है। तो आंसर में देखेंगे, वैन द गार्ड्स डिड नॉट लेट हिम इन ही बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। जब गार्ड उसे अंदर जाने को मना कर देते हैं, अंदर नहीं जाने देते, तो वो क्या करता है, वो डांस करना और ज़ोर ज़ोर से गाना गाना शुरू कर देता है। वैन द किंग हियर्ड हिज एंड आल्सो द कमेंट्स ऑफ द पीपल वॉचिंग द मैन सिंग एंड डांस ही आस्क्ड फॉर द मैन टू बी ब्रॉट बिफोर हिम। और राजा अंदर जब उसकी बातें सुनता है, लोगों के कमेंट्स सुनता है उसके ऊपर उसके डांस के लिए, तो राजा उसको ऑर्डर देता है अपने यहाँ आदमी को कि उस आदमी को अंदर लाया जाए मेरे सामने। 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि जब गोपाल हिल्सा फिश लाया था
तो कोई भी उसकी हिल्सा फिश में इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया, किसी ने भी उससे हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं की? ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर। नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड ब्रॉट। जो किसी ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जो गोपाल लेकर आया था, क्योंकि अब हम ये आंसर बिकॉज से भी स्टार्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में से हम इसको छोड़ सकते हैं, ये आंसर हम बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ गोपाल्स रिडिकुलस अपीयरेंस, उसने बड़ा भद्दा सा, बड़ा अजीब सा अपना वो बनाया था रूप, उसकी वजह से उसे कोई भी नहीं देखता, मतलब उसकी हिल्सा फिश को कोई नहीं देखता। सम पीपल फाउंड हिम कॉमिकल, अदर थॉट ही वॉज अ मैडमैन। कुछ तो सोचते ही बड़ा फनी सा मैंने, कॉमिकल मैंने ऐसी, मतलब हंसाने वाला, और कुछ सोचते ही पागल व्यक्ति है। स्टिल अदर्स थॉट ही वॉज अ मिस्टिक, और कुछ सोचते हैं अदर्स जो होते हैं कि कोई रहस्यमय आदमी है। दे वर सो एंग्रोस्ड इन डिस्कसिंग हिज अपीयरेंस दैट द हिल्सा फिश वेंट अननोटिस्ड। इस तरह से वो सब आपस में डिस्कस करते हैं उसके अपीयरेंस को देख के, उसके रूप रंग को देखकर, और वो हिल्सा फिश को अननोटिस ही नहीं करते कि हाँ इसके हाथ में हिल्सा फिश भी है जो उसके बारे में पूछा जाए। नाउ ट्रू फॉल्स, अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। यस, फर्स्ट है द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। जो राजा था वो अपना टेम्पर इजीली खो देता था, तो इसमें क्या आएगा सोचो, इसका आंसर है ट्रू। खो देता था ना, एकदम उसे गुस्सा आ जाता था। गोपाल वॉज अ मैडमैन, क्या गोपाल मैडमैन था, पागल था? नो, मैडमैन थोड़ी था, वो तो बहुत चतुर था, बहुत होशियार था, तो ये आएगा फाल्स। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, क्लेवर मैन था, यस क्लेवर मैन था, तभी तो वो इतनी होशियारी से हिल्सा फिश लेकर आया था जिसने किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया था, वो क्लेवर मैन था, तो यहाँ आएगा यस ट्रू। मतलब गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ, गोपाल इतना ज़्यादा गरीब था कि वो अच्छे कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकता था, नहीं खरीद सकता था। नहीं, गरीब थोड़ी था वो, तो उसने इसलिए पहने थे जिससे कोई उसे नोटिस ना करे, सब उसके रूप को देखें, तो यहाँ क्या आएगा फॉल्स। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग, किंग को गुस्सा आ गया जब उसने, उसे क्या दिखाया गया, उसे गलत दिखाया गया। देखो इसका आंसर क्या है फॉल्स। द किंग लाफ्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड गोपाल, उसको गुस्सा आया था गोपाल को देखकर, नहीं गुस्सा थोड़ी आया था, उसे तो हंसी आई थी और उसने गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया, तो उसे मतलब यहाँ फॉल्स आएगा क्योंकि उसे गुस्सा नहीं आया था उसको, बल्कि हंसी आई थी। और इसका भी रीजन दिया है फोर्थ का भी, ही बोर रैग सो दैट पीपल वुड नोटिस देम एंड नॉट टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। इसमें फॉल्स इसलिए है क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े इसलिए नहीं पहने थे कि वह अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने इसलिए पहने थे जिससे लोग उसे नोटिस करें, उसकी हिल्सा फिश को नोटिस ना करें। क्लियर, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें रिपोर्टेड स्पीच जानते हो, जो नरेशन होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमें उसमें चेंज करने हैं। फर्स्ट है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, उसने पूछा था ना लेडी ने कि इसकी हिल्सा के लिए तुमने कितना पे किया। द वुमेन आस्क्ड द मैन, वुमेन ने पूछा था मैन से हाउ मच ही डिड पेड फॉर द हिल्सा। हाउ मच ही के बाद क्या आ गया, हैड आ गया, डिड को हम पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। नेक्स्ट है वाई इज योर फेस हाफ शेवन, ये किसने पूछा था, गोपाल की वाइफ ने गोपाल से पूछा था ना, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम, गोपाल की वाइफ ने गोपाल से पूछा था। इसका आंसर देखो नीचे है, ये रहा, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस वाज हाफ शेवन, उसका फेस हाफ शेवन क्यों है। नेक्स्ट है आई एक्सेप्टेड द चैलेंज योर मैजेस्टी,
किसने कहा था, किससे कहा था ये? गोपाल ने किंग से कहा था दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू सी द किंग, किसने कहा था ये? गोपाल ने कहा था ना दरबारियों से जो बाहर खड़े थे वॉचमैन, कि मुझे राजा से मिलना है। गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग, के वह राजा से मिलना चाहता था। ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, ये किसने कहा था? किंग ने कहा था, अपने महल के जो आदमी जो दरबारी थे उनसे कहा था कि उस आदमी को मेरे पास लाओ तुरंत। द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड, किंग ने गार्ड को ऑर्डर दिया था कि टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसको समझ लेंगे अच्छे से और फिर इसको नोटबुक में कर लेंगे। समझ में आ गया होगा, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।